100 तो 120 रुपए प्रति किलो टमाटर आलू प्याज भी मार रहे छड़प्पे, पर सरकारी आंकड़े कह रहे कुछ होर। फल सब्जियां दे बड़े रेट दा कारण खराब मौसम जा कुछ होर। देश दे कई हिस्सों दे विच भारी मीह तो बाद फलां ते सब्जियां दे रेट आसमानी चढ़न लगे ने। दिल्ली दे परचून बाजार च टमाटर दा भाव 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। देश दे कई हिस्सों दे विच भारी मीह पिया जिस तों बाद फलां ते सब्जियां दे रेट काफी ज्यादा वध गए ने, जिस दे कारण इस दा असर लोकां दीआं जेबां ते सिद्धा पै रिहा है। तुहानूं दस दे खबर एजेंसी पीटीआई दी रिपोर्ट मुताबिक शनिवार नूं दिल्ली दे परचून बाजार दे विच टमाटर दी कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। मदर डेयरी दे रिटेल आउटलेट सफल ते टमाटर 100 रुपए प्रति किलो दे हिसाब नाल विकिया। जनाल ली सफल आउटलेट तो अलावा गैर संगठित परचून बाजार दे विच भी टमाटर दी कीमत 100 तो 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। हालांकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक टमाटर का भाव अजे 100 रुपए तक नहीं पहुंचा। खपतकार मामलों के मंत्रालय के आंकड़े मुताबिक 20 जुलाई को दिल्ली में टमाटर की रोजाना औसत परचून कीमत 93 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रही। सरकारी आंकड़े मुताबिक 20 जुलाई को टमाटर की राष्ट्रीय औसत कीमत जिहड़ी 73.76 रुपए प्रति किलो ग्राम सी। टमाटर के भाव वधन लई खराब मौसम नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट मुताबिक एक सरकारी अधिकारी के हवाले दे नाल कहा गया कि गर्मी की लहर तो बाद भारी मीह कारण टमाटर दीआं कीमतां दे विच वाधा हो रहा है। पर जे लोकां दी मनीए तां लोकां दा कहना कुछ होर है। लोकां दा कहना यह है कि वड्डे जिहड़े लोक ने उह स्टोरेज करके रख रहे ने, स्टोरेज करन तो बाद उह जिहड़े आ ज़्यादा भाव दे विच सब्जियां अते टमाटर प्याज आलू वेचणगे, जिस दा उन्हां नूं सिद्धा लाभ होवेगा ते आम जनता दी जेब ते असर पवेगा। दस दे के बारे में कारण हिमाचल प्रदेश दे परचून मंडियां दे विच टमाटर दी सप्लाई दे विच विघन पिया। इस कारण टमाटरां दीआं कीमतां दे विच तेजी दे नाल वाधा हो रहा है। अधिकारी दा कहना है कि खराब मौसम कारण दिल्ली दे विच टमाटर तों इलावा आलू ते प्याज दीआं कीमतां वी वध रहीआं ने। इक नज़र इन्हां दिनां दे विच इस महीने दे विच पिछले साल कीमत ते वी नज़र मार लैंदे आ। इन्हां महीनिआं दौरान हर साल टमाटर ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਡੈਰੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ 46 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੂ 41 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਆਲੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਆਲੂ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਰੇਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।